पैराशूट उम्मीदवारों पर राजस्थान कांग्रेस में क्यों मचा है बवाल? क्या पैराशूट उम्मीदवारों पर अपना वादा भूल गए हैं राहुल गांधी? राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन वक्त बदला तो सियासी मिजाज भी बदल गया है। कांग्रेस उन्हें टिकट देकर 2018 के चुनाव में सत्ता पाना चाहती है। ऐसा तब है जब राहुल गांधी पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का वादा कर चुके थे। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो महज कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसद रहे हरीश मीणा और नागौर से विधायक रहे हबीबुर रहमान समेत कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें पाला बदलते ही कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्हें टिकट देकर कांग्रेस ने एक तरह से पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं को चिढ़ाने का काम किया है। ये सब तब हुआ है जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में ये कहते नहीं थकते थे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली में उनके लिए इंसाफ करने बैठे हैं। किसी भी पैराशूट उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी। अगर कोई पैराशूट से आएगा तो 200 किलोमीटर ऊपर उसका पैराशूट काट देंगे। तब राहुल के इस वादे पर कांग्रेस कार्यकर्ता झूमकर ताली बजाते थे और नारेबाजी भी करते थे। इतना ही नहीं, राहुल ने काम करने वालों को टिकट देने और नेताओं के रिश्तों को टिकट नहीं देने का वादा किया। लेकिन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जैसे ही सामने आई तो कांग्रेस ने 152 उम्मीदवारों की सूची में 6 पैराशूट कैंडिडेट भी टिकट पा गए। कांग्रेस की लिस्ट देखते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है और राहुल से पूछ रहे हैं कि उस वादे का क्या हुआ जो आप चुनावी सभाओं में कर रहे थे। वहीं पार्टी ने 15 नेताओं के रिश्तेदारों को मौका दिया है, यानी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर तो यही लगता है कि जैसे राहुल अपना वादा भूल गए हों। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।